हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्वपरागण से लाभ और स्वपरागण से हानियाँ। तो चलिए सबसे पहले स्वपरागण से लाभ देख लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। तो नंबर एक है, स्वपरागण से पादपों का शुद्ध वंश चलता है। नंबर एक है, स्वपरागण से पादपों का शुद्ध वंश चलता है। अब नंबर दो देख लीजिए, इससे परागण के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। नंबर दो एक बार और देख लीजिए, इससे परागण के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। अब नंबर तीन देख लीजिए, स्वपरागित पुष्पों को रंग, सुगंध एवं मधु उत्पन्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नंबर तीन एक बार और देख लीजिए, स्वपरागित पुष्पों को रंग, सुगंध एवं मधु उत्पन्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब नंबर चार देख लीजिए, इससे अधिक पराग कणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। नंबर चार एक बार और देख लीजिए, इससे अधिक पराग कणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब स्वपरागण से हानियां देख लीजिए। तो स्वपरागण से नंबर एक हानि देख लीजिए, पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक बीमारियां स्थानांतरित होती रहती है, जिससे उत्पन्न बीज संख्या में कम, भार में हल्के, छोटे एवं कमजोर हो जाते हैं। नंबर एक एक बार और देख लीजिए, पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक बीमारियां स्थानांतरित होती रहती है, जिससे उत्पन्न बीज संख्या में कम, भार में हल्के, छोटे एवं कमजोर हो जाते हैं। अब नंबर दो देख लीजिए, ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते हैं। नंबर दो है, ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते हैं। अब नंबर तीन देख लीजिए, बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं, जिस कारण नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। नंबर तीन एक बार और देख लीजिए, बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं, जिस कारण नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया स्वपरागण से लाभ और स्वपरागण से हानियाँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। मैं डेली वहाँ पर भी अपडेट देता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।